Hello students, welcome to RJ Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको SIS GTO second phase के लिए computer science के important question बता रहा हूँ. ये SIS GTO first second phase और अन्य computer exam जैसे कि SSC Bank Railway, Group C, IAS PCS, NDS EDS और अन्य जो भी computer exams होते हैं जहाँ पे computer science और general awareness के question आते हैं उन सभी computer exams के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं. जो कैंडिडेट्स SIS GTO के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सेकंड फेज के लिए और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं SIS GTO के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे. अपने व्हाट्सअप नंबर से 9411513974 पे मैसेज कर सकते हैं. और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वीडियो में मैं आपको SIS GTO के लिए कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रैवलर्स इज. एक कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है जिसको कि पोर्ट कर सकते हैं एंड इजी टू कैरी बाय ट्रैवलर्स और जो ट्रैवलर्स के द्वारा आसानी से ले जा सकता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है. इसको लैपटॉप कहते हैं. ऐसा कंप्यूटर जिसको कि हम पोर्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल में ले जा सकते हैं उसको लैपटॉप कहते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज. सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है. सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर. द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज. सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर थ्री, परम वाज डेवलप्ड बाय. परम किसके द्वारा डेवलप किया गया. सीडैक के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, BARC के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा और नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है सीडैक. परम वॉज डेवलप्ड बाय. परम जो एक सुपर कंप्यूटर है इसको सीडैक के द्वारा डेवलप किया गया था. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर. इसमें से कौन सा फास्टेस्ट, बिगेस्ट और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव महंगा कंप्यूटर है. ए पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी नोटबुक, ई नन ऑफ दीज. तो जो सुपर कंप्यूटर होता है ये फास्टेस्ट होता है, बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा, सबसे तेज चलने वाला और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर होता है. क्वेश्चन नंबर फाइव, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच. डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है. इसका आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर. डिजिटल वॉच में एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग. जो पहला कंप्यूटर था उसको किस कौन से प्रोग्राम से उसको प्रोग्राम किया गया था. आंसर है मशीन लैंग्वेज. जो पहला कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मशीन लैंग्वेज होती थी. क्वेश्चन नंबर सेवन, डिजिटल कंप्यूटर यूज अ डैश सिस्टम टू इनकोड डेट एंड प्रोग्राम. डिजिटल कंप्यूटर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं डेट और प्रोग्राम इनकोड करने के लिए. आंसर है बाइनरी. क्वेश्चन नंबर एट, ए कंप्यूटर फॉल्स इन टू द कैटेगरी इफ इट इज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. ए कंप्यूटर फॉल्स इन टू द सुपर कंप्यूटर कैटेगरी इफ इट इज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. अगर ये कंस्ट्रक्शन के टाइम ये सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है संसार का तो ये सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है. क्वेश्चन नंबर नाइन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट. माइक्रो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसमें तीन बेसिक कैटेगरीज फिजिकल इक्विपमेंट की होती हैं. ये होती हैं सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज. क्वेश्चन नंबर टेन, ए डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स. ये डैश बता रहे हैं ये लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा. एक साथ बहुत से डाटा को ये प्रोसेस कर सकता है फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, जो कि हजारों यूजर्स हैं उनके लिए. तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन का, ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. ये एक लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है, महंगा कंप्यूटर होता है कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा. ये कैपेबल होता है कि एक साथ बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूजर है उनका डाटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है. तो ऐसा कंप्यूटर को हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर. सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है इनमें से.
ए नोटबुक, बी लैपटॉप, सी डेस्कटॉप, सी वर्क, डी वर्क स्टेशन, ई नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है नोटबुक। नोटबुक इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। नोटबुक जो होता है ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है। अगर आता है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नन ऑफ दीज में स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो वो नोटबुक है। क्वेश्चन नंबर 12, ए डैश कंप्यूटर ऑल्सो रिफर टू एज लैपटॉप इज अ स्मॉल लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर दैट इनकॉर्पोरेट्स द स्क्रीन, द कीबोर्ड, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स इनटू अ सिंगल पोर्टेबल यूनिट। ए डैश कंप्यूटर ऐसा कौन सा कंप्यूटर है ऑल्सो रिफर टू एज लैपटॉप, जिसको लैपटॉप भी कहते हैं, इज अ स्मॉल कंप्यूटर होता है ये, लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर, लाइट वेट हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है, दैट इनकॉर्पोरेट द स्क्रीन, जिसमें की स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं, इनटू अ सिंगल पोर्टेबल यूनिट, एक ही सिंगल पोर्टेबल यूनिट में ये होता है नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ ए एन। एक जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको जो कंप्यूटिंग नीड्स है उसको एक इंडिविजुअल की जो कंप्यूटिंग नीड्स है उनको ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिवाइस यूजेज अ हैंडहेल्ड ऑपरेशन सिस्टम। कौन सी डिवाइस जो है ये हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ए ए पी डी ए, बी ए पर्सनल कंप्यूटर, सी अ लैपटॉप, डी अ मेन फ्रेम, ई नन ऑफ दीज। सही आंसर है ए पी डी ए। ए पी डी ए डिवाइस यूजेज अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं सही जी टी ओ सेकेंड और फर्स्ट फेज के लिए। जल्दी मैं अन्य कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, एक्से कैसे लिखने हैं, और जल्दी मैं ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है ऐसा ही सेकेंड फेज के लिए वो बता दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो कैंडिडेट्स एसआईएस जीटीओ सेकंड फेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।